हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल एजी टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LPCVT 2 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है। तो दोस्तों अभी मैं RRB भोपाल की वेबसाइट पे हूँ, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भोपाल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं भोपाल की वेबसाइट पे हूँ, तो आप यहाँ से अपना भोपाल के हैं तो आप यहाँ से अपना स्कोर कार्ड कितना है और आपने यहाँ से कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका पूरा PDF रोल नंबर वाइज सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस जारी हुआ है ये 5 तारीख को कल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक फॉर नोटिस ऑन पब्लिशिंग ऑफ स्कोर कार्ड एंड सॉलिसिटेड कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेस्ट। तो सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिलता है क्लिक फॉर टू व्यू प्रोवेंशली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करना था तो यहाँ से क्लिक करके आप पूरा PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका नाम इस पर आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे अगर जैसे PDF को डाउनलोड कर देते हैं तो यहाँ से करीब जितने कैंडिडेट्स के सेलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। आप यहाँ से अपना ऊपर रोल नंबर सर्च करके आप यहाँ से देख सकते हैं आपका नाम है कि नहीं। तो इसमें कुल 37 पेज हैं और यहाँ पे कुल कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए गए वो 8,893 कैंडिडेट्स इस जोन से सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अपना स्कोर कार्ड चेक करने की। तो स्कोर कार्ड चेक करने से पहले आपको सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पर कट ऑफ जो गई है वो आपको दिखा देते हैं। जो यहाँ पर कट ऑफ गई है दोस्तों उसको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को और मुझे भी आई है। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो अगर अनरिजर्व यानी जनरल की बात करते हैं तो वो 64 नंबर गई है और जो OBC है वो 57, SC की 49, ST की 40। तो जो इतनी कट ऑफ गई है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ये जो कट ऑफ है ये असिस्टेंट लोको पायलट की है ना कि टेक्नीशियन की, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं यानी टेक्नीशियन से जो पोस्ट किए हैं, जैसे जो PCM से थे 12th, उन्होंने जो पोस्ट भरा था तो वो टेक्नीशियन के लिए ही केवल भर सकते थे, तो क्योंकि उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं था। तो उनकी जो कट ऑफ है वो कुछ ज़्यादा है लेकिन वो कट ऑफ अभी तक जारी नहीं की गई है, ठीक है। जो ये कट ऑफ है ये सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की है जो कि यहाँ पे OBC का 57.57 से दिया गया है। क्योंकि मेरा भी जो स्कोर है, मैं अपना स्कोर कार्ड आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी PCM से भरा हूँ और मेरा यहाँ पे इस जितना कट ऑफ गई है कहीं इससे ज़्यादा मेरा स्कोर कार्ड में है स्कोर मेरा, बट यहाँ पे मेरा भी अभी एप्लीकेबल यू आर नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अपना ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया, लॉगिन हो गया मेरा, मेरा नेम भी यहाँ पे शो हो गया, मेरे DOP और मेरे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे स्कोर कार्ड फर्स्ट और सेकंड पे देखिए दो ऑप्शन है, उसके बाद मास्टर क्वेश्चन पेपर भी है और कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो था मैंने कौन सा क्वेश्चन किया वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट स्कोर कार्ड है उस पर आप देख सकते हैं मैंने 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जिसमें से 64 करेक्ट थे और 19 गलत थे, एक क्वेश्चन मैंने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा जो रॉ वैलिड क्वेश्चन था टोटल तो 57.66 का था बन रहा था, जो नॉर्मलाइज्ड के बाद यहाँ पे 61.76 बन रहा है। और आपको जो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड थी वो फिजिक्स और मैथ्स थी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आपने अभी देखा लोको पायलट जो कट ऑफ थी वो यहाँ पे 57 पॉइंट समथिंग थी, 57.57, और जो कि मेरा यहाँ पे वो नॉर्मलाइज्ड मार्क था और यहाँ पे मेरा नॉर्मलाइज्ड मार्क जो है 61.76 है, तो मेरा भी नाम आना चाहिए बट यहाँ पर नहीं आया दोस्तों। तो ये टेक्नीशियन का है मेरा और वो लोको पायलट का, ठीक है, यानी कि ये PCM से था। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट यस आर नो आर नॉट एप्टीट्यूड एप्लीकेबल, तो यहाँ पे मेरा नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यस आर नो नहीं है। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा और इसके लिए देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद अपना सेकेंड स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। तो सेकेंड स्कोर कार्ड जो है मेरा वो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 63 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और जिसपे 38 करेक्ट थे, 25 जो इनकरेक्ट, और टोटल वैलिड क्वेश्चन मेरे 73 थे जिसमें से मेरा
रॉ मार्क्स 29.66 बन रहा था, और यहाँ पे जो बात करते हैं अगर इस नॉर्मलाइज्ड मार्क तो ये 40.63 बन रहा है, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया केवल पास करना था। तो ये ओबीसी के लिए शायद 33 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा क्वालिफाइंग स्टेटस फॉर पार्ट बी यस आर नो, तो यहाँ पे यस मेरा शो कर रहा है, ये तो ठीक है। बट यहाँ पे जो स्कोर कार्ड वन है जिस पे मेन मेरिट बननी थी, उसके लिए अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा टेक्नीशियन वालों को कि उसकी कट ऑफ कब तक आती है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ लोको पायलट की कट ऑफ जारी हुई है। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी मुझे भी पता है पीसीएम में बच्चे ज़्यादा थे, उन ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं, तो उसकी थोड़े से मेरिट जो है वो अप जाने वाली है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 दिन का और तब मुझे भी उम्मीद है कि तब तक यहाँ पे उसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।